हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आज का पेपर जिन बच्चों ने दिया है, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिन लोगों का होना है उनके लिए थोड़ा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज बच्चे पहला ही दिन था दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम जो शुरू हुए हैं, और 5 दिसंबर तक ये एग्ज़ाम चलेंगे। बहुत सारा बच्चा ये कह रहा था कि एग्ज़ाम सेंटर दूर हैं, तो बहुत सारे बच्चे एबसेंट रहेंगे इस बार, क्योंकि बहुत बहुत दूर फेंके हैं। ये बात काफ़ी हद तक सही भी हुई, सही साबित हुई कि काफ़ी बच्चे एबसेंट रहे। आपने देखे होंगे जिनके दूर सेंटर्स थे तो काफ़ी बच्चे एबसेंट भी रहे हैं, लेकिन जो आसपास के सेंटर्स थे तो वो 70% के आसपास प्रेजेंटेशन वहाँ है बच्चे। अब बात ये है कि सर, एब्सेंट जैसे दूर वाले बच्चे हो गए तो कंपटीशन तो कम हो जाएगा? नहीं, कभी भी आप देखना कि जिसको फुल अपनी उम्मीद होती है या जो लड़ाई में होता है, वो चाहे एग्ज़ाम इंडिया के किसी भी कोने में हो, वो देने ज़रूर जाता है। वो बात अलग है कि मजबूरी में, ट्रेन में, रिजर्वेशन, ये वो नहीं मिला, पर वो जुगाड़ करता है, वो हर हालत में वहाँ पहुँचना चाहता है। छोड़ते कौन है फिर ये जो एब्सेंट हो जाते हैं, जिनकी तैयारी अधूरी होती है, जो के पता होता है जिनको, यार मैं तो एक देना चाह रहा था, यहां होता तो दे आता, पता है ही यार नंबर आना नहीं है तो मैं क्यों जाऊं वहां तक, दिवाली खराब करूं अपनी। तो भाई, जो एब्सेंट देख करके अगर आप खुश हो रहे हो तो वो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है उसमें। वो वही बच्चे हैं जिनका होना ही नहीं था, और जिनका होना था या जो अच्छी फाइट में है वो तो देने गए हैं एग्जाम। वो तो हर हालत में जाएगा देने, तो उसको पता है कि भाई मैं अपनी नौकरी नहीं खो सकता, है ना। चलिए, तो अब बचे कुछ सवालों पे भी जब बात करेंगे, बाकी हर जो है मैं सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा। हालांकि मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है अपना बना रखा है एक, उस पर मैंने अपने विचार शेयर कर दिए थे, डाउट ग्रुप में भी बता दिया था, तो भाई एक मैसेज डाल दिया था ताकि सेकंड शिफ्ट के बच्चे भी उसको पढ़ करके जाएं कि क्या क्या फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों को लगा है और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए और कितना सेफ स्कोर आपका होना चाहिए। वो सारी बातें मैंने कर ली थी आज सुबह एक मैसेज के थ्रू, ताकि बच्चे ने, बहुत सारे बच्चे वीडियो नहीं देख पाते, तो मैंने एक मैसेज लिखा खुद अपने हाथों से और फिर उसको पोस्ट किया था बच्चे। हाँ, मॉक टेस्ट आएगा इस वीडियो के तुरंत बाद आएगा, जो 9 बजे की बात थी ना मॉक टेस्ट आने की, वो इस वीडियो के तुरंत बाद आ रहा है। इस वीडियो के वजह से मैंने रुकवा दिया था ताकि बच्चे ये वीडियो देख लें पहले, ताकि उनको भी तसल्ली हो जाए। एक तो ये कितना अटेम्प्ट करें, कितना स्कोर सेफ होगा, मेल फीमेल दोनों की बारे में बात करूंगा। आगे पेपर का आगे जो है, आज बच्चे ने एनालिसिस देखा और वो यूं फंस गए कि सर आज तो पेपर आसान आ गया और सारे क्वेश्चन आसान वाले तो आज ही खत्म हो गए। ऐसे बहुत सारे बच्चों का रिव्यू है, सर आसान वाले तो आज ही आ गए सारे, अब तो आसान बचे ही नहीं है आगे, तो अब हमारा क्या होगा, तो आगे पेपर का लेवल तो नहीं बढ़ेगा। ये बहुत सारे बच्चों को डर है। मॉक टेस्ट के मुकाबले एग्जाम आसान आया है, जो हम मॉक टेस्ट यहां पर लेते थे, जिनका मैं एनालिसिस कराता था और जो मैं बोलता था कि भाई 65 पे स्कोर, 67 पे मेरिट है, 68 पे मेरिट है, पर ये ऐसे सारे आंकड़े फेल कर देगी, क्योंकि हम बना रहे थे प्रीवियस ईयर के आधार पर। कोई भी प्रीवियस ईयर के आधार पर बनाएगा, 2020 का जो पेपर हुआ था अब। लेकिन अगर मैं अब देखूं तो ये 2020 के पेपर के लेवल के मुकाबले कुछ भी पेपर का लेवल नहीं छोड़ा है उन्होंने, तो भाई सीधी सी बात है कि मॉक से तो फिर ये आसान आना ही था, मॉक तो मुश्किल बनेंगे। चलिए, मुश्किल हालातों में आपने तैयारी की, उसका भी फायदा होगा। अब अंत में क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे बच्चों। पहले देख लीजिएगा, मैथ्स की तीनों शिफ्टों के लिए लिख करके लाया हूं मैं कि भाई ये किसी में 14, किसी में 13 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि एक बच्चा इतना बता पाया, हमने सिर्फ उतना लिखा, हमने अपने मन से कोई एक दो नहीं भर दिया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से मिले हैं, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं लेवल पे बात कर देता हूं बच्चे। ये तो है वो स्क्रीनशॉट कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न आया है।
अब मैं लेवल की बात करता हूं कि मैथ्स का लेवल क्या रहा है। राहुल सर से भी मैंने बात की है, तो मैथ्स का लेवल बच्चों कुछ इस तरह का रहा है कि जैसे पिछली बार कैलकुलेशन आई थी, तो कैलकुलेटिव है क्या? अब कैलकुलेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, मैथ सीधी सीधी कैलकुलेशन है जो काटने पीटने में आ जाती हैं। जब कैलकुलेटिव नहीं है तो क्या टाइम टेकिंग है? क्वेश्चंस की लंबाई चौड़ाई ज्यादा है क्या? पढ़ने में समय लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्वेश्चंस एक दो हो सकता है कि थोड़ा बहुत किसी ने फंसाया हो, बाकी बच्चा आज के जो स्कोर्स हैं आइडियल स्कोर्स, वो बच्चों के जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है मैथ्स को जानते हैं 13, 14 और 15 वाले ही मिल रहे हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चों के 15 स्कोर आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये एक मैं आपको आइडियल स्कोर बता रहा हूं आज के मैथ्स के लेवल। अब बच्चों आपको बुरा लग सकता है इस बात का जिसके 10 होंगे जिसके 9 होंगे, पर बच्चों आप खुद अपने आप को जांचना कि यार आपके 10-9 आते होंगे। हाँ, मैं तो वो बोल रहा हूं ना कि जो जिस लेवल का पेपर आया है, और मैथ्स में कोई ये नहीं बताएगा कि भाई अभी तो घटेंगे सर आकर, मैथ्स में नहीं घटते मेरे भाई। मैथ्स में बच्चा पता है नेगेटिव मार्किंग है, तो जो करके आता है उतने सही निकलते भी हैं। अब मैं बात कर लेता हूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी एनालॉजी देखिए, वर्बल नॉन वर्बल में देख लीजिए पहले सारी शिफ्टों का एनालिसिस करके है बच्चों। ये 15-16 क्वेश्चन वर्बल, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था 2020 में भी 15-16 ही आए थे, और 9-10 क्वेश्चन नॉन वर्बल के पिछली बार भी थे, लेकिन पिछली बार नॉन वर्बल के क्वेश्चन लंबे थे, टाइम टेकिंग थे, आज के नहीं है। हालांकि राहुल शर्मा सर से मेरी बात हुई तो वो बोल रहे थे कि सर एक दो शिफ्ट में आए हैं कि जो सीरीज के, जैसे सेकंड शिफ्ट है तो उसमें जो सीरीज का क्वेश्चन है ना आकृति में भी सीरीज जो दी है तो उसमें 2 प्रश्न आए, तो एक फंसा रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो 1-2 प्रश्न तो परेशान कर सकता है। तो 8-10 प्रश्न आना ही बड़ी बात है। जैसे सेकंड शिफ्ट में डाइस आ गए 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन, जबकि फर्स्ट शिफ्ट में डाइस ही नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही कॉपी आएगी पेपर की जो 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 पहले फर्स्ट शिफ्ट में था वही वही सेकंड शिफ्ट में रहेगा, लेकिन लेवल ऑलमोस्ट सेम रहेगा। उसमें वो चैप्टर मिसिंग है तो इसमें ये चैप्टर डाल देते हैं, ऐसा भी हो रहा है। लेकिन बच्चों कहीं भी देखने को वर्बल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन वगैरह सब गायब है, ना कैलेंडर है ना घड़ी है, कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी ये सिंपल से वही चैप्टर्स हैं जिनको आप दोहराते रहते हो कि यार एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग सिलोगिज्म का 1 क्वेश्चन हो गया, नंबर सीरीज के 2-3 प्रश्न है, और नंबर सीरीज बन रही है बच्चों से, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज है, डाइस है, डाइस के 3-4 प्रश्न, अल्फाबेट सीरीज 1-2, सिमिलर सेट, तो सिटिंग अरेंजमेंट, ये देखिए। तो ये नॉन वर्बल का सब कुछ वो भी बता दिया है कि भाई किस किस चैप्टर से कितने कितने हैं नॉन वर्बल में भी। तो ओवरऑल अगर मैं रीजनिंग का एनालिसिस करूं तो रीजनिंग का जो लेवल है बच्चों ये भी टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आपके मैथ्स और रीजनिंग टाइम टेकिंग नहीं रहेंगे तो आप बताओ कि पेपर में समय कभी कम पड़ सकता है क्या? आपको नहीं पड़ सकता पेपर में समय, फिर कम पड़ने का मतलब ही नहीं है। पिछली बार बच्चों को बहुत कम समय पड़ा था, क्योंकि बच्चों पिछली बार की सीरीज हिलने वाली नहीं थी बच्चों से, फिर फिगर्स में बहुत फंसा रखा था बच्चों को। आज भी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा उस पेपर का, और मैथ्स की तो कैलकुलेशन ही बहुत लंबी लंबी थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स रीजनिंग को आराम से सुलटा रहा है बच्चा। तो भाई जब ये दोनों आराम से बच्चे ने कर लिए, 1.5 घंटा पेपर में है, 50 क्वेश्चन जीके के, 10 कंप्यूटर के, उनमें समय लगना नहीं है, मैथ्स रीजनिंग टाइम टेकिंग आए नहीं, तो समय की तो कोई भी दिक्कत पूरे पेपर में आई नहीं है। तो रीजनिंग का लेवल आप इसको इजी टू मॉडरेट लेवल ही कह सकते हो, क्योंकि भाई 1-2 प्रश्न तो, अगर 1-2 भी ऐसा नहीं होता तो मैं इजी तब कहता। तो अब इसमें अगर हम देखें तो बच्चों के स्कोर, फिर वही मैं कहूंगा कि 23-24 ही आइडियल स्कोर है बच्चों, ठीक है। 23-24 तक इसमें स्कोर किया जा सकता है, और चूंकि अगर आप सेलेक्ट होने वाले बच्चे हो तो फिर आपको ये स्कोर करना पड़ेगा, स्पेशली रीजनिंग में तो जरूर, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो।
हाँ लड़की है तो मैथ्स थोड़ा कम हो सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो रीजनिंग पर सब लोगों को इतनी करनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि वही ये दिल्ली पुलिस में जो आज जीएस आई है वो कितने किस चैप्टर से आए हैं, तो स्टैटिक जीके में फर्स्ट शिफ्ट से उतने प्रश्न नहीं थे, फर्स्ट शिफ्ट में मैंने लिखा भी था 6-7 प्रश्न हैं, लेकिन सेकंड थर्ड शिफ्ट में खूब अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं, 15-16 प्रश्न स्टैटिक जीके के अपने रोल में अपने रूप में आ गई है स्टैटिक जीके। हिस्ट्री 8 से 9 प्रश्न है, पॉलिटी 7 से 8 प्रश्न है, ज्योग्राफी सबसे कम है, उसके साथ अन्याय हुआ है थोड़ा, 3 से 4 प्रश्न। करंट अफेयर्स भी नॉर्मली हम 10 से नीचे ही आइडिया लेकर के चल रहे थे और वो 4-5, किसी शिफ्ट में 6-7 भी हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। साइंस 5-6 प्रश्न है, इकोनॉमिक्स भी 5-6 प्रश्न है। तो कुल मिलाकर के जो जीएस का आइडिया बच्चों ने दिया है वो यही है, ठीक है। अब जीएस को कितना किया जा सकता था, अगर मैं लेवल की बात करूं तो जिस तरह से बच्चे मिल रहे हैं, हालांकि जीएस में बच्चों को थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब ऐसा हो जाता है कि यार फंबल सा उनमें बना हुआ होता कि मेरे तो इतने सही हैं, ऐसा जबकि होता नहीं है एक्चुअल में, वो घटते घटते उनके काफी कम हो जाते हैं बच्चों। इसमें फिर बच्चे तो बहुत आसान आसान कर रहे हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 30-35 एक शानदार स्कोर होना चाहिए, ये शानदार होना चाहिए। अगर आप इतना टच कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होगा बच्चे। नवीन सर ने आपको मालूम होगा कि एक तो आर्ट एंड कल्चर की वीडियो कराई थी, अगर आपको लास्ट में कुछ पढ़ना है ना तो आर्ट एंड कल्चर की वीडियो कराई थी, उससे प्रश्न बन रहे हैं। एक सेंसस की यानी जनगणना की कराई थी अभी, ठीक है, इन दो वीडियो से प्रश्न बने हैं दोनों सारी शिफ्टों में, इनको एक बार देख जाना है, 2-2 घंटे की करीब करीब वीडियो है। अगर आपको एक एक प्रश्न अपना फालतू बनाना है, इसमें शायद 2 प्रश्न भी बन रहे हैं किसी में, एक तो बन ही रहा है, ठीक है। जनगणना का थोड़ा गहरा प्रश्न आ रहा है पर अभी वीडियो से बाहर नहीं गया है, पर आएगा जरूर, अब जब यहां आया है तो आएगा आगे की शिफ्टों में भी। ये दोनों वीडियो पड़ी हुई हैं अभी, किस पर भाई, यूट्यूब पर पड़ी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, कर लीजिए इनको, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट में क्या करें वो वाली बात भी तो मुझे ही देखनी पड़ेगी ना आपकी। अब जैसे कंप्यूटर है, जिसने देखिए सबसे अच्छी बात है कि बच्चों ने रोजगार विधंकित से तैयारी की और हमने आपको एक सटीक गाइडेंस दिया कि भाई आप यही पढ़ो, आप एक्सेल ही पढ़ो, आप वर्ड ही पढ़ो, और यही पढ़ाया भी है और इनको खूब गहराई खूब हद तक गए भी हैं बच्चों। शिवम सर ने एप्लीकेशन में तो क्लास ली ही है, बहुत ज्यादा क्लासेस ली, बहुत अच्छे से बच्चों ने पढ़ा और बहुत अच्छे से बच्चे कर भी पाए कंप्यूटर। आज बड़ी खुशी की बात यह है कि जब बच्चा हर कोई कह रहा है कि बहुत अच्छा कंप्यूटर हुआ है बच्चे, और हो भी क्यों नहीं बच्चों। मैंने गाइड भी आपको किया था जिस दिन मैंने स्ट्रेटजी की वीडियो बताई थी कि शिवम सर की 3 वीडियो है मैराथन, जो जिन्होंने कोर्स भी नहीं लिया है ना वो उन 3 वीडियो को कर लेना, 3 मैराथन, आपका कंप्यूटर 8, 9, 10 इन 3 में से स्कोर करके आयो आओगे, और यही हुआ है एग्जैक्टली। मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों, शिवम सर की 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में ये 10 में से 10 प्रश्न सिर्फ उन 3 वीडियो से, 9 प्रश्न बच्चा बता पाया, तो 9 के 9 ये हैं, पर बच्चा कह रहा था सर मैं पूरे 10 करके आया हूं आपकी वीडियो से, 9 प्रश्न उसने बता दिए, मतलब बच्चों ने मिलकर बता दिए, किस कोई किसी से कंफर्म किया कोई किसी से, तो सर ने स्क्रीनशॉट बाकायदा कितनी मेहनत की होगी अपनी वीडियो से लिए और दिखाया आपको, ठीक है। ऐसे ही आपको बच्चे 6 से 6 क्वेश्चन मिले सेकंड शिफ्ट में, सेकंड में बच्चा 6 ही बता पाए, हमें पता ही तो नहीं चल पाए। अब देखोगे एनालिसिस में वहां भी हम 6 ही बता पा रहे हैं क्योंकि बच्चे बता ही नहीं पाए, और तो अगर और बताता तो बताते तो और भी मिलते। तो ये 6 के 6 प्रश्न उन्होंने अपनी उन्हीं वीडियो से 3 से दिखा दिए। 14 तारीख की थर्ड शिफ्ट पे आ जाओ, ये देखिए फिर से ये 10 प्रश्न, ये 2 हैं, तो ये पूरे के पूरे 10 प्रश्न उन्होंने जो उन्हें मिले उन्होंने पूरे दिखाए हैं। तो वो इससे ज्यादा बड़ा और क्या प्रूफ देगा कोई भी टीचर, है ना। हर एक सिंगल स्क्रीनशॉट में एक एक प्रश्न है उसी शिफ्ट का, ठीक है। बाकी बच्चों ये मैं आपसे कह रहा हूं कि इनकी 3 वीडियोस हैं, उन्हीं से मैंने यही बोला था कि मैंने बच्चों को आपकी वो 3 वीडियोस सेलेक्ट करके बताई हैं, उन 3 से देना मुझे स्क्रीनशॉट, आपने बैच में क्या पढ़ाया कैसे पढ़ाया वो ठीक है बच्चा जानता है, ठीक है। तो इन्होंने उन्हीं 3 वीडियो, देखिए हर किसी पे मैराथन मैराथन लिख रहा होगा, ठीक है। तो 3 वीडियोस उनको कर लीजिए, उनमें एक एक्सेल की है,
एक उनमें वर्ड की है और एक कंबाइंड ईमेल हो, इंटरनेट हो, प्रोटोकॉल हो, सब कुछ मिलाकर के रिमेनिंग पार्ट। तो ये तीन वीडियो उन्होंने जो है बनाई हैं। इन तीनों वीडियोस को आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये कंप्यूटर आपका टेंशन नहीं देगा, ठीक है। और आपका स्कोर आज जो मैं कह रहा हूं, अगर आप RWA से पढ़े हो तो जरूर इन तीनों में से कंप्यूटर में आपका स्कोर रहा होगा। अब बच्चों, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भाई टारगेट अगले वाले बच्चों को क्या स्कोर करके जाना चाहिए, टारगेट स्कोर उनको क्या करना चाहिए, तो मैं तो ये कहूंगा कि यार अब आप बच्चों आराम से देखिए, टारगेट बता पाना पहले दिन बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी, पर आप अगर थोड़े से धैर्य से पेपर करोगे और आपने तैयारी बहुत अच्छी की है तो आप 80 पार करके भी आओगे। और इसमें अब कट ऑफ ऐसा ना सोचें कि पिछली बार 72 पे गई थी और OBC 68 पे गई थी, इस तरीके से अगर आप कट ऑफ सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। इस बार कट ऑफ में हाइक आएगा, अच्छा खासा हाइक आएगा, जिस तरह से आज पेपर आया है, आप ही के अकॉर्डिंग, आप ही की कही हुई बातों को मैं बता रहा हूं। तो अब आप यहां अच्छा खासा टारगेट लेकर के चल सकते हो। मैं कहूंगा कि 80 पार करने का टारगेट स्कोर लेकर के चलें अगर आप मेल हैं तो, और अगर आप फीमेल हैं तो ये स्कोर आपको टारगेट करना चाहिए 70। जनरल कैटेगरी फाइनल, मैं फाइनल की बात कर रहा हूं। हो सकता है फिजिकल के लिए आपकी कॉल, हो सकता है फिजिकल के लिए आपकी कॉल 70 के आसपास भी हो जाए, हो सकता है फिजिकल के लिए आपकी कॉल 58-60 पे भी हो जाए, ठीक है। ये तो फिजिकल के लिए हो सकती है, लेकिन फाइनल के लिए तो आपको ये टारगेट करने चाहिए। अब आपको लगेगा सर ये बहुत बड़ा स्कोर है, वाकई में बहुत बड़ा है, पर बच्चों सब बातें सब रिव्यू दिए भी तो आप ही ने है ना, ठीक है, आप ही के अकॉर्डिंग है। अब जो मुझे पहले दिन में, हालांकि ये बता पाना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी, पर बच्चों ये सच्चाई कहनी भी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं आपको एक धोखे में रखूं कि आप 75 कर जाओ, 70 कर जाओ, बहुत है, तो फिर वो आपको लगेगा कि यार 70 कर लिया मेरा आ जाएगा, मैं आराम से रिलैक्स होके जाऊंगा, ठीक है, और फिर आप उस गलत फहमी में पढ़ भी नहीं रहे आगे, वो थोड़ा सा मतलब आपके लिए नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे इतना कहूंगा बच्चों, एक महीने में रिजल्ट भी आ जाएगा, मुझे लगता है कि दिसंबर के एंड में बहुत तेजी से प्रोसेस होने वाला है, दिसंबर के एंड तक आते आते रिजल्ट भी आ जाएगा, आंसर की आ जाएगी 10 दिसंबर से पहले पहले 10 के आसपास तो आ ही जाएगी, तो आप चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा, गूगल फॉर्म भरवा लूंगा, तो तब एक डेटा होगा मेरे पास, अभी कोई डेटा नहीं है, बस आपने जो बोल दिया हमने बता दिया, ठीक है। अभी बच्चों मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो हमने एक मॉक तैयार किया था, अब आप उस मॉक में, जो मॉक है उसमें ये स्कोर टारगेट करना बच्चों। अब मॉक टेस्ट ओपन होगा इस वीडियो के तुरंत बाद में, करवा रहा हूं, उस मॉक टेस्ट को तुरंत करना और उसमें टारगेट ये लेकर के चलना, टारगेट 80 और 70। भाई कैटेगरी है तो थोड़ा सा कम फाइल कम भी होगा चलेगा, कैटेगरी का फायदा, लेकिन मैं जनरल के हिसाब से बात कर रहा हूं, मेल फीमेल, ठीक है। इतना आप टारगेट करके चलें कि मुझे इतना करना है, ये टच नहीं कह रहा हूं, कोशिश करो कि इतने सही हो, ठीक है, ये टच नहीं, टच तो सौ भी करते हो आप लोग। चलो बच्चों, ओके, नमस्कार, धन्यवाद, और जो मैं बात बता सकता था इस वीडियो के माध्यम से शायद मैंने बता दी है, फिर भी आपका कुछ कमेंट आपको करना हो तो प्लीज करिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।